ताकि आप हमारे स्मार्ट टेक्निकल फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे इस फ्लैश सेल में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पर्सनली एक्सटेंशन पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, आप ये सब चक्कर में ना पड़े, बाकी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले टिप की बात करें तो वो है सबसे अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन, जो आपको ये फोन बाय करने में काफी हद तक आपका काम आसान बना देता है। देखो, ये फोन बाय करने में 2 से 3 सेकंड का ही काम रहता है, तो वो टाइम में आपके नेट कनेक्शन की स्पीड बहुत ही कमाल की रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कम ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो जब फ्लैश सेल स्टार्ट होता है, उससे 10 मिनट पहले आप ऐसे लोकेशन पे चले जाए जहां पे आपको नेट की स्पीड बहुत ही कमाल की मिल रही हो और स्टेबल तरीके से मिलनी चाहिए। तो नेट कनेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी है इस फोन को बाय करने के लिए, बाकी आगे का काम तो आपका हो जाएगा। सेकंड टिप्स की बात करें तो वो है एड्रेस, फोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी। बहुत सारे लोग ईमेल आईडी भी डाल देते हैं, फोन नंबर भी डाल के रख लेते हैं और बाय नाउ का ऑप्शन भी उनको मिल जाता है और लास्ट में उनको मैसेज शो होता है कि आपका एड्रेस नहीं है, और जब वो एड्रेस डालते हैं तब तक वो फोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आप पहले से ही चेकआउट कर लो, एड्रेस सेक्शन में जाके आपका एड्रेस, सिटी, फ्लैट नंबर, पिन कोड, लैंडमार्क, वो सब सही तरीके से डला हुआ है या नहीं, तो ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप ये भी आप चेक कर लोगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो गाइस, थर्ड टिप्स की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लोग डिपेंड रहते हैं सीओडी पर। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको मिल जाता है तो आपका लक है, अगर आपकी सिटी में सीओडी अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी चीज है, आप जाके आराम से परचेस कर लो। बट अगर आपको सीओडी का ऑप्शन नहीं मिला, आपने बाय नाउ पे भी प्रेस कर लिया, तो आप क्या करोगे? तो पहले से ही आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड सेव करके रखो, आपको ऐड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है तो आप पहले से ही आप इसे सेव कर लो, तो आपकी डिटेल्स पहले से ही भरी हुई रहेगी। फिर आपको यहाँ पे करना क्या रहता है, जो भी आपका कार्ड सेव किया है उसे सिलेक्ट करना रहता है, उसके बाद बैंक की तरफ से ओटीपी आता है, उसको डाल देना है तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो मेक श्योर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का बैकअप रखो, आप सीओडी ऑप्शन पे ज्यादा डिपेंड मत रहो। तो गाइस, फोर्थ टिप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? तो सपोज 6 मार्च को 12 बजे से Redmi Note 7 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो 12 बजे सेल है तो बहुत सारे लोग 12 बजे का वेट करते हैं और जब जाते हैं तो डायरेक्टली उनको आउट ऑफ स्टॉक बता देता है। तो मैं आपको बताता हूँ, Xiaomi के फ्लैश सेल का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है Flipkart पर, तो मैं आपको बोलूंगा जो हाईली रिकमेंडेड टाइम है 11:50 से आप सेल में चले जाओ और 12:10 तक आप सारे काम छोड़ दो। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने पर्सनली 11:54 पे भी परचेस किया है, 11:58 पर भी परचेस किया है और कंप्लीट 12 बजे भी मैंने परचेस किया है। तो 12:10 तक कभी भी आपको बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा लास्ट 12:15 तक आप वेट करो, आपको 11:50 से 12:15 तक कभी भी बाय नाउ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको रिफ्रेश करते रहना है, फ्लिपकार्ट की ऐप ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होती है, आपको मैन्युअली बैक और आगे करना रहता है स्मार्टफोन पर। तो ये मैंने मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है फ्लैश सेल का, ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी Xiaomi के किसी भी फोन को बाय करने के लिए फ्लैश सेल में। ये जो टिप्स हैं वो आपको Redmi Note 7 में भी काम आएगी और Redmi Note 7 Pro में भी काम आएगी, तो जरूर फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों, आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप कौन से स्मार्टफोन के साथ जाने वाले हो, Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7 Pro? और ये भी बता देना आप कौन से फीचर्स की वजह से ये फोन लेने वाले हो, क्योंकि आपकी कीमती राय बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो जरूर बताना आपकी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में।